में बहुत सारी परेशानी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, परमेश्वर ने आज ब्लेस कर दिया है। मेरे जीवन का ठका पैसा ने आप पेपर देने हाथों को हिलाओ और पवित्र आत्मा का स्वागत करो। अखाई समय अरे कथा जी को हम भाई ने मेरी भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी होने के लिए जा रही है। अरे तने पे भविष्यवाणी ने खाली जीवन जा फूने ठंगा से दो। आप सभी देखने वालों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष देती हूँ। जैसा कि बताया गया 7, 8 और 9 तारीख को यहाँ पर प्रेयर फेस्टिवल किया गया, उसका माध्यम यही था कि हम पूरे भारतवर्ष के लिए शांति को मांग सके, आशीषों को मांग सके। और यहाँ पर कुछ सेमिनार भी किए गए जिसके द्वारा लोगों ने बहुत आशीष को पाया। और जैसा कि पास्टर शमी ने बताया कि यहाँ पर कई जवानों ने अपने मन को बनाया कि वो नशा छोड़ कर जाएंगे, तो मेरे प्रिय आपको बताना चाहती हूँ कि मसीही कौम का, मसीही सेवकों का यही संदेश रहता है कि हमारे भारत वर्ष में, हमारे परिवारों में, हमारे जवानों में आशीष बनी रहे और वो यीशु मसीह के नाम को जानकर अपनी गलत आदतों से छुटकारा पा सके और शांति में जी सके। गॉड ब्लेस यू। मैं असम वासियों को यही कहना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे लोग हैं, हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली और आप बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हैं। यहाँ पर हरियाली बहुत है और हमें बहुत ही अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आकर इन प्रार्थना सभाओं में भाग लिया और प्रभु यीशु मसीह से आशीष को पाया। गॉड ब्लेस यू। आज असम में अपोस्टल रमन हंस मिनिस्ट्रीज पंजाब का प्रेयर फेस्टिवल हुआ है जो कि NPM की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था। और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ DB न्यूज़ का और अरनोई चैनल का, जिनके माध्यम से हमारी आवाज़ और ये रिपोर्ट्स आप सब तक पहुँचती हैं। सभी व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष देते हैं। और मैं आप सबसे ये शेयर करना चाहता हूँ, आप सबको बताना चाहता हूँ कि 7, 8 और 9 नवंबर का एक प्रेयर फेस्टिवल हुआ जिसमें कि हमारा मेन टॉपिक था प्रेयर फॉर इंडिया। और प्रेयर फॉर इंडिया का अर्थ है कि हम अपने भारत के लिए प्रार्थना करें मिलकर के, इकट्ठा होकर के। और उसमें जो हमारे मुख्य वक्ता थे, जो हमारे स्पीकर थे, वो हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल रमन हंस जी थे। और परमेश्वर ने मुझे और मेरी वाइफ परी को वर्शिप के बिहाफ से इस्तेमाल किया और हमारी टीम पंजाब से आई हुई थी और यहाँ NPM की टीम के साथ वर्शिप करके, आराधना करके हमें भी बहुत खुशी हुई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमें ये सिखाता है कि प्रभु प्रेम है, और जब हम प्रभु प्रेम में मगन हो जाते हैं तो हम उस प्रेम को दूसरों के साथ बांटना शुरू कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन किसी धर्म को, किसी जाति को बदलने के लिए नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है वो संसार की आत्मिक शांति और छुटकारे का वचन है, वो प्रेम का संदेश है। और हम इस संदेश को आज असम में लेकर के आए। परमेश्वर के प्रिय दास अपोस्टल रमन हंस जी ने अपने वचन के द्वारा बहुत सारे लोगों को, संगत को बहुत ज़्यादा आनंदित किया, उन्हें बहुत शांति मिली। और यहाँ पर लाखों की तादाद में परमेश्वर ने इन 3 दिनों में लोगों को लेकर के आए और उन्हें आशीषित किया। और आप सभी देखने और सुनने वालों को इस चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप भी प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जानें और अपने जीवन में सच्ची शांति को पाएं। गॉड ब्लेस यू। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 7 तारीख को ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, उस दिन हज़ारों की तादाद में लोग आए थे और बहुत सारे जवानों ने ये मन बनाया कि वो नशा छोड़ेंगे। और बहुत सारे लोगों ने नशा छोड़ा, बहुत सारे बीमार जो चल नहीं सकते थे, प्रार्थना के द्वारा उन्होंने चंगाई को हासिल किया। क्योंकि परमेश्वर के दास 12-12 घंटे प्रार्थना करते हैं। और अक्सर सुनने में ये आता है हमारे समाज में, इंडियन कल्चर में ये कहा जाता है कि भक्ति में शक्ति है। और उन्होंने जब 12-12 घंटे प्रार्थना करके स्टेज पे आना है तो ये बहुत स्वाभाविक है कि परमेश्वर उनके साथ है और बड़े बड़े काम होते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग चले, बहुत सारे लोग जो देख नहीं पाते थे उन्होंने अपनी रोशनी को पाया, जो बीमार थे, कईयों के घुटने नहीं चल पा रहे थे, बहुत सारे लोगों ने आशीष को पाया है। और मैं आपको और बताना चाहता हूँ, दूसरे दिन उससे भी ज़्यादा लोग आए, उन्होंने भी बहुत आशीष को पाया। और आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन में लाखों की तादाद में लोग आए हुए थे। और कॉर्नर्स में भी मैं देख पा रहा था कि कॉर्नर्स में भी लोग खड़े हुए थे, रोड पर खड़े होकर वो परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे। और इसमें हमारी कोई महिमा नहीं है, इसमें हमारी कोई बढ़ाई नहीं है, हम सारा आदर और सारी महिमा अपने परमेश्वर को देते हैं। बे थांगने 7 तारीख नवंबर निफ्राय लानानै दिनै 9 तारीख नवंबर जेने बे जोबथा प्रोग्राम सिम इसरा गेदेर बे प्रोग्राम नि गेजेरजों गेदेर गेदेर इसरा खामानि मावदोङो। बे थांनाय 7 तारिख निफ्राय लानानै बे 9 तारिख सिम बे सानथामनि हाबाफारियाव
दिन बेबदि तेरह बस सोरबा नुयिफ्रा नुनो हादों आरो बेबदिनो पंद्रह बस जायफ्रा पैरालाइसिस अवस्थाव दंमोन बिथांमोना सोखाजानायखौ मोननो हादों गोबां बेबादिनो थाबायनो हायै अवस्थाफ्राव दंमोन बिथांमोना बे सानथामनि हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै ईश्वरनि लें अपोस्टल रोमान्स हान्स बिथांनि आर'जनि गेजेरजों गोबां मानसिफ्रा बेबादिनो सोखाजानायखौ मोन्दों आरो बेल' नङा जे सासे मैया सान्थालि जायनि मुङा विनद सरेनमोन बिथाङा बेबादिनो चौद' बोसोरनिफ्रायनो दिनै सैथाना बिथांखौ जोबोद नासयदोंमोन आरो बेबादिनो बिथांखौ बे प्रग्रामाव लाबोनाय जादों आरो बेबादिनो बे जे गाज्रि जिउफ्रा मोदाया जे बे मानसिखौ हमदोंमोन बे आलासि अपोस्टल रोमान सान्सजों नांलायदों आरो बे मोदाया बेबादि बुंदों आं बे मानसिनिफ्राय ओंखारा होननानै नाथाय दिनै अपोस्टल रोमान सान्स बे आलासि बिथाङा जिसुनि नामाव दिनै विनद सरेननिफ्राय बे मोदायखौ होखारो आरो बे मोदाया विनद सरेननिफ्राय ओंखारलाङो आरो बे समनिफ्रायनो दिनै बे विनद सरेना मोजां जायो आरो एग्जाक्ट रोखा दिनैहाय आं अनजिमाखौ होनो हानाय नङा बे सोखासानायफोरनि गेजेराव मानोना जोङो दिनै बिथांमोननिफ्रायनाखि जेनाखि सोखाजानायनि थाखाय जोङो मोनसे साखिफोरखौ जोङो लादों एबा खोनासंदों जोङो बेखौहाय रेकर्ड खालामनाय जायाखै माने मानसिफोरनि अनजिमाखौ जोङो लानाय जायाखै ओरैनो आरो बयनोबो दिनैहाय साखिखौ होनो थाखाय जोंनि आखाइयाव समनि आंखाल दंमोन त' बिनिखायनो जोङो मोनसे हाबाफारियाव जोङो साबासो एबा सयजनसोल' जोङो दिनै सोखाजानायनि थाखाय साखिखौ होनो थाखाय जोङो खाबु होनाय जादों आङो अनुमान खालामदों कि बे सात तारिखनिफ्राय लानानै बे नय तारिख नभेम्बरसिमावहाय गासैयै हमनानै लानो हायो साखि होनायफोरनि गेजेराव त्रिसजननि बांसिन जागोन आरो गोबाङा साखि होनांगौ दंमोन नाथाय बिथांमोननो समनि आंखालाव साखि होनो थाखाय खाबु होनाय जायाखै बे समाव आङो दिनै प्रेयार फेस्टिभेल कमिटिनि जानानै आरो आङो बे प्रेयार फेस्टिभेलनि कनभेनरनि जानानै बे थांनाय सात तारिख नभेम्बरनिफ्राय लानानै दिनै बे नय तारिख नभेम्बरसिम जोंनि प्रेयार फेस्टिभेल कमिटिनिफ्राय हांख्राय जानाय बादि गासै मण्डलिफोरनिफ्राय आरो गासै गामिफोरनिफ्राय गुबुन गुबुन रायजोफोरनिफ्रायबो दिनै गोबां जाथिफोरनिफ्राय दिनै बे जोंनि बे प्रेयार फेस्टिभेलाव बाहागो लाफैनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय इसोरा नोंथांमोननि सायाव गोबां बोर होफ्लायथों